तुम्हारे इमेजिनेशन में तुम कितना स्कोर कर पाओगे ऐसा तुम्हें पता तो चल जाता है हर एक बच्चे को जब वो एग्जाम के आता है hmm. तो हाउ मच एक इमेजिन तो बिल्कुल भी नहीं किया था एंड सब एक्सपेक्ट करते हैं मतलब like, so hmm. ऐसा लगा लाइक एक ड्रीम होता है हर बच्चे का कि में में 99 वाले तो आना ही है

नो no प्रॉब्लम सबसे पहले मुझे ये बताओ वेन यू स्कोर नाइनटी नाइन मतलब तुम्हें इमेजिनेशन था दैट यू विल स्कोर एंड हाउ थाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स लाइक इमेजिन तो बिल्कुल भी नहीं क्या था एंड रिएक्शन लाइक सब एक्सपेक्ट करते हैं इट लाइक सो रियल एंड मतलब ऐसा लगा लेकिन एक ड्रीम होता है हर बच्चे का कि नाइनटी hmm. नाइन वाले ब्रैकेट में तो आना ही है जैसा तो ड्रीम कम ट्रू टाइप हो गया अपना ना एक मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन दो कहाँ से हो कैसे पेरेंट्स के बारे में योर बैकग्राउंड एंड एवरी थिंग सो माई नेम इज़ माधव आई एम फ्राम सेंट जॉन्स हाई स्कूल सेक्टर ट्वेंटी सिक्स आई आई पास माई क्लास टेन फ्राम द सेम स्कूल सो माई फादर इज़ अ चीफ इंजीनियर एंड माई मदर इज़ हिंदी लेक्चर इन अ गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली एवरी थिंग लाइक की पढ़ने की मोटिवेशन से लेकर टू एवरी थिंग लाइक हेल्प हर चीज़ में एक मेरे मॉम ने ही किए ज्यादा घर जाके बताएंगे पापा <laughs> <Yeah>. <laughs> like, होता ही है हाँ, in, true, in true, में. Yeah. Then, me, उसने ऑलरेडी क्लास टेन पास करी है तो एक थोड़ा रिलेटेबल हो जाता हाँ, है तो सजेशंस देती रहती थी अपनी इनपुट्स देती रहती थी तो so, ऑनेस्टली मैंने तो उसकी suggestions, सारी सजेशंस मानी अब तक एंड hmm. सब कुछ लाइक जैसा प्लान किया था कि ऐसा ही होना चाहिए

सो लाइक मेरा प्लान ऐसा लाइक स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि लाइक like, स्टार्टिंग में अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करूंगा अच्छा ला कि लाइक like, अगर आप स्टार्टिंग में सारी अपनी एनर्जी लगाते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है फिर ऐसा लगता है कि लाइक like, अब बस छोड़ दो यार एफर्ट्स नहीं लगा सकते अब सो स्टार्टिंग so, में आया कैप्टिक लाइट की धीरे धीरे, धीरे पेस पकड़ेंगे like, लाइक हाफ पहले पेरियॉडिक्स आए देन हाफ ईयरलीज आए हाफ ईयरलीज आई गॉट रियली सीरियस लाइक उसके बाद लगा कि लाइक हाँ अब टाइम आ गया लाइक कि अब सीरियस है सो उस वक्त फिर मैंने क्या कहते हैं लाइक लाइक रेफरेंस बुक्स ख़रीदनी शुरू करी एंड ऑल दैट थिंग उससे पहले लाइक जो हमारे समर वेकेशन होती हैं उसमें मैंने उन सब्जेक्ट्स का ट्राई ट्रा, कवर करने का ट्राई किया एक जिन में मुझे लगता है कि मैं वीक लाइक फॉर एग्जांपल एसएसटी मुझे लगता है उसमें ज़्यादा इट्स मोर ऑफ मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट राधा दें कि आप उसमें कंसेप्ट समझो मैंने उन्हें पहले कवर करने की कोशिश की ठीक है तो एक चीज़ मुझे ये बताओ फॉर एग्जाम्पल एक टेंथ का स्टूडेंट

तो तुम क्या क्या मेजरली जैसे एक बच्चा है वो सबसे ज्यादा उसका क्वेश्चन ये होता है कि क्या सिर्फ एन सी सफिशेंट होती है बोर्ड्स के लिए या नहीं सो वॉटोर्स डिड यू प्रेफर एंड हाउ मच डू यू फील कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो एन से ही आता है ऑनिस्टली जो बुक्स की सिलेक्शन होती है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्टेंड करता है सो लाइक फॉर एस एस टी लाइक एन सी आर टी बुक्स

एनसीआर टी ही थी मेन एक कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट गया मुझे लगता कि यहाँ पे फाइव मार्कर हो सकता है यहाँ पे थ्री मार्कर हो सकता है बिकॉज उसमें हर वर्ड या हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन है hmm. तो उसमें मेरे को सब मेरे बुक में मार्क थे एंड okay. सब क्योंकि एंड ऑफ ऑल जब आप एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे तो आप सीधा बुक ही खोलोगे और कोई मतलब एनसीआर ही खोलोगे लाइक एंड ऑफ ऑल तो सबके तो उसमें सब कुछ पढ़ा होता था, था तो मतलब एक्सेसिबल हो जाती हैं चीज़ें देन टॉकिंग अबाउट मैथ्स मैथ्स के लिए मेरे एक जैसे हाफ ईयरलीस होते थे प्री बोर्ड होते थे तो उनसे पहले मैं एक एन तो करना लेकिन इज़ मैंडेटरी एक एन तो करनी है उसके बाद देन एग्ज़ाम्पलर के जो सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस देख ले क्योंकि इतना टाइम गैप नहीं होता कि आप फिर से mm, दोबारा दुबार सॉल्व कर सकते एंड देन फिर उसके बाद जो लिख रेफ बुक जैसे मैंने टुगेदर विद बताया उसमें हम क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं उनके क्वेश्चन ले रैंडमली आप mm. कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर ले या फिर आप अपना कोचिंग मटीरियल मिलता है जैसे मुझे कोचिंग से अपने क्या कहते हैं असाइनमेंट्स मिलती हैं तो मैं उनमें से लेक थोड़े 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 क्वेश्चन उनमें से कर लेता था एंड दैट दैट्स इट आउट एंड मूविंग ऑन टू साइंस साइंस में लाइक मुझे ऑनिस्टली थोड़ा फिजिक्स लाइक थोड़ी कम अच्छी लगती है कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सो आई फर्स्ट स्टार्टेड विद केमिस्ट्रीज केमिस्ट्री इज मोर लाइक यूनीट इन ऑफ द रिएक्शंस तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए आपको रिएक्शन्स पता होनी चाहिए एंड देन द

एक बार थ्योरी हो जाती है देन जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है वो कम्पैटली जल्दी हो जाता है डैन टू तो मेमोराइज थ्योरी वाला पार्ट है विच इज़ बायोलॉजी hmm. देन आई मूव ऑन टू फिजिक्स एंड फिजिक्स में वही न्यूमेरिक पहले तो थ्योरी थे पढ़ ली एंड देन लाइक कंसेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए बेसिक एंड देन फिर एंड में आकर न्यूमेरिकल सोल्व करना न्यूमेरिकल सोल्व करना ठीक है गुड एक चीज़ मेरे को ये बताओ फॉर एग्जाम्पल में ट्यूशन तो होगी तुम्हारी hmm. मेरे हिसाब से तो हाउ यू यूज मैनेज योर स्कूल विद ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडीज उसका कैसे तुम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे अपने में में लाइक लाइक ऑनेस्टली मेरे केस में हुआ कि like, जो चैप्टर ट्यूशन में हो जाता था ना वो स्कूल में बाद में ही शुरू होता था सो hmm. so, मुझे लाइक like, काफी अच्छा आइडिया होता था कि मतलब कि क्या है इस चैप्टर में तो स्कूल से लाइक like, जब टीचर पढ़ा रही होती सो आई कुड रिलेट टू हर कि मतलब ये सब पढ़ा हुआ है एंड

एस एस टी इट एंड वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ मेमोराइजेशन एंड मुझे ऑनस्टली वो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है जिसमें कंसेप्ट को समझना आप खुद लेख अपने अपने आप लिख सकते हो तो चीज़ें एस एस टी में क्या है कि उसमें ज़्यादा मेमोराइजेशन है मतलब एक सब सब चीज ही लेन हो पता होनी चाहिए आपको अदरवाइज यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी सोशल मतलब तुम्हें अगर मैं बोलूँ दोबारा पढ़ लो तो तुम नहीं पढ़ा ठीक no, <laughs> है गुड गुड मुझे एक चीज़ बताओ नोट्स होता है एक बच्चों के दिमाग में बहुत हाइप होती है नोट्स क्रिएट करने नोट्स बनाने हैं एंड देन वो पहले स्कूल में पढ़ेंगे तो हाउ यू यूज टू प्रिपेयर नोट्स नोट ऑफकोर्स तुमने अगर नाइनटी स्कोर किया है तो तुम्हारा स्टडी मटीरियल कुछ लेवल तक काफी स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे सो हर सब्जेक्ट का तरीका एक्चुअली बहुत डिफरेंट है टेकिंग टॉकिंग अबाउट साइंस साइंस में जो कोचिंग में एक आपको लिख like, नोट्स बनवाती हैं hmm. उनको एंड जो मैं खुद पढ़ के लिख सेल्फ स्टडी के uh, समय लिख like, जो भी मुझे कंसेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो उनको कंबाइन करके मैं एक नोट्स no, तैयार करता था एंड दे वो क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी सिमिलरली ट अबाउट सोशल साइंस सोशल मैं एज लिटरली तो मैंने नोट्स नहीं बनाए बट थैंक हर चीज़ मैंने बुक के साइड में लिख लेता था एन सी आर टी हाँ एन सी आर टी के साइड में एंड ऑफ ऑल मुझे एनसीआर टी करनी है एंड जब सब चीज वहाँ आएगी तो मुझे इधर उधर भागना ही पड़ेगा इन मोमेंट पे कि यहाँ से ये कर लेते हैं मतलब एग्जाम uh, के परस्पेक्टिव से अगर मैं पूछूं तो वट इज योर टेक की सी बी एस सी का जो पेपर है वो जनरली एनसीआरटी से आता भी है कि हाइप ये भी सब्जेक्ट बड़ा करता है लाइक टॉक अबाउट एसएसटी एसएसटी का तो पूरा ही लाइक एनसीईआरटी आता है सी एन फ्रॉम फाइव मार्कर्स टू एमसीक्यूज एवरीथिंग एंड स्पेसिफिकली उसमें uh, वो जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड पिक्चर पाय चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑनेस्टली इस साल काफ़ी आए वहां से क्वेश्चंस देन इन साइंस

बाकी फिफ्टी टू सिक्सटी कुछ वेरिएशन होती हैं एनसीआर टी की और एक दो तो बाहर से होती है, तो एक, हर साल तो, होता है थो थोड़ा बहुत है। हाँ वो तो अलग ही आएंगे हर साल जैसे तुमने अगर बोर्ड एग्जाम के लिए पी वाई क्यूज या सैम्पल पेपर सोल्व करे थे हाँ लाइक मेरा अराउंड नवंबर मिड तक लाइक सिलेबस ख़त्म हो गया था देन मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करने शुरू करे अराउंड दिसंबर स्टार्ट में तो उससे okay. पहले थोड़ा रिवाइज करना चाहता था बिकॉज यू नो नो इज पॉइंट कि सॉल्व करूँ सैम्पल पेपर एंड उसमें आधे क्वेश्चन आते हैं आई डोंट थिंक दैट्स तो मैंने उस वाल के सैम्पल पेपर्स लिए थे हर सब्जेक्ट के फिर मैथ अराउंडल एस एस टी के लिए मैंने टू टू थ्री किए थे एंड साइंस के लिए आई डेड अराउंड एट अच्छा एट सैम्पल पेपर कम्प्लीट फुली सॉल्व मॉक के फॉर्म में कि मॉक टेस्ट दे रहे हो ऐसा कुछ या yeah, मॉक के फॉर्म में एक टाइमर लगा के everything. अच्छा टाइमर लगा के यू सॉल्वड एट पेपर्स एंड फाइव पेपर ऐसे ऐसे करके yeah. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे बोर्ड एग्जाम से पहले जो लास्ट ईयर पेपर्स आते हैं बोर्ड के

पैटर्न चेंज करते हैं उसके बेसिस पे अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं एक मेरे को ये बताओ जैसे समर वेकेशन आती है तो वो कैसे यूटिलाइज किया वो तो मेजर मेजर चंक होता है जहाँ पे सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं ऐसा सर्ट हो ले कि जो जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है ना लाइक या फिर जो आपको बहुत लगता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है hmm. वो कवर करो ट्राई करो कि कवर कर लो समर वेकेशन में एंड साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करते जाओ लाइक फॉर एग्जाम्पल एस एस क्वाइट ए वास्ट सब्जेक्ट तो उसमें मैंने लाइक

vacation for one week or uh, maybe one point five week so and I think spending time with family is must. Like this is must. Because class jo journey hai, it is filled with emotional turmoil. Hmm. And it's my tranquility. So it's Haan, like, basically hai, I yeah, true. Find tranquility within turmoil. Hmm. Great. Revision strategy what was your revision strategy? मतलब वंस यू आर डन विद योर सिलेबस मेरा सिलेबस खत्म हो गया फॉर इंस्टेंस फिर रिवाइज कैसे करते थे जैसे एक चैप्टर एक बार पढ़ लिया उसके बाद हाउ यू यूज टू रिवाइज दैट उसी मंथ में या अगले मंथ में या फिर कैसे नहीं जैसे एक रिवीजन तो हो जाती है आपके जितने भी हाफ ईयरलीस प्री बोर्ड्स होते हैं उनसे पहले तो एक, एक ही बार रिवीजन होती है ठीक है देन व्हाट आई यूज्ड टू लाइक देन अगेन सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ना बार-बार आपको बार करना ही पड़ता है सोशल साइंस सोशल साइंस दैट इज लाइक ट्रॉमा फॉर मी टिल डेट तो उस सब्जेक्ट को लेकिन बार बार करते लाइक मैंने ऑनेस्टली टेलिंग एनसीआर को अराउंड सिक्स टू सेवन टाइम्स रीड किया है एंड देन साइंस का ऐसा रहता था कि हर मंथ में ना मैं एक टारगेट बना के चलता था लाइक पिछले मंथ जो दो चैप्टर्स किए हैं दो चैप्टर्स तो वो रिवाइज करने हैं एंड दो नए चैप्टर्स तो करने ही हैं सो hmm. तो बेसिकली एक लाइक प्लान सा बन जाता था, था कि पिछले दो रिवाइज करेंगे और न्यू टू ऐड होंगे

बहुत लोग आई टी को सोचते हैं कि मतलब लाइक ले ले आई टी बीक एंड ऑफ एडिशन सब्जेक्ट मतलब इग्नोर कर देते हैं बट जब एंड में आता है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है एंड आई फील लाइक आई टी इज़ वन सब्जेक्ट विच कैन रियली बूस्ट ए परसेंटेज लाइक लाइक अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में लाइक इट कैन रियली बूस्ट ए परसेंटेज तो आई थिंक उसे भी साथ साथ पढ़ते रहो आई टी बिंग सेन टूट लैंग्वेजेस लैंग्वेजेज तो लाइक चैप्टर्स तो स्कूल में ही पढ़ाई जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने अच्छे से कर लिया एंड देन बिफोर एग्जाम्स लाइक हाफ ईयरलीज एंड ऑल उनसे पहले आप अच्छी तरह से कर रहे हो तो लाइक यू आर सॉर्टेड इतना ज़्यादा होता नहीं है hmm. बस पढ़ना पड़ता है yeah. ठीक है मुझे एक एक चीज ये बताओ फॉर इंस्टेंस कोई भी स्टूडेंट है hmm. अगर वो एम करता है 95 फाइव परसेंटेज एंड अब तो उसके लिए क्या एक रोड uh, मैप होना चाहिए जो कह रहा है कि मुझे 95 एन सी आर टी बुक्स तो आपकी यू नो दैक्स उन्हें लाइक बार बार करो जितनी बार कर सकते हो इट्स बेटर फॉर यू एंड डन विद एन सी आर टी देन यू फॉर मैथ्स एंड ऑन टू एग्जाम्पलो एंड एंड फिर फाइनली मेरा जैसे नवम्बर मिनट में सिलेबस खत्म हो गया था तब आप जा सकते हो uh, लाइक सैम्पल पेपर्स करने और सैम्पल पेपर्स में भी लाइक ऐसे नहीं कि एकदम ही सैंपल पेपर्स करने लग गए और बहुत सारी एक, एक एक, ही बार कर एक लिए लेक उन्हें लाइक मतलब गैप होना चाहिए बीच में लाइक आज मान लो मैंने साइंस का किया सैम्पल पेपर तो ऐसे नहीं कि मैं कल ही साइंस का दूसरा करूँगा और तीसरा फिर द थर्ड डे आई डू इट तो मतलब एक हफ्ते का मिनिमम गैप होना चाहिए तो उसमें क्या होता है कंसेप्ट आपका ना रिवाइज़ होता रहता है कि जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका ब्रेन आपको स्टिमुलेट करेगा कि आपने कहीं पढ़ा था तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली रिवाइज होता रहता है दिस वॉट आई फील ग्रेट ऐसे क्या थ्री मिस्टेक्स हैं जो एक टेंथ के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए इफ ही वॉन्ट्स टू स्कोर नाइनटी फाइव परसेंटेज टें बच्चे कहते हैं वेरी गुड बुक फर्स्ट ऑफ ऑल नो हेट बट

थोड़ा हो जाएगा उससे hmm. लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो लाइक तो वो आपको 95% वाला है इट कैन नॉट बी आप फुलफिल ही नहीं कर सकते हो उस ड्रीम को एंड टिप डोंट फरगेट एनसीईआरटी 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 फॉर एसएसटी मुझे जब अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम्स में वो थ्री थिंग्स डेड यू कीप इन माइंड पेपर अटैम्प्ट करते हुए बिकॉज यू गॉट नाइन्टी नाइन मार्क्स तो ऑफकोर्स पहले तो कोई मिस्टेक नहीं थी पेपर में और उसके अलावा यू मस्ट हैव प्रेजेंटेड योर आंसर शीट वेरी वेल दैट इज़ वन रीजन यू हैव सच सच अ स्कोर्स ह्यूज परसेंटेज तो कैसा तुमने अपना पेपर अटैम्प्ट किया हुआ था थ्री टिप्स एक फर्स्ट ऑफ आल आपके आंसर्स बहुत कंसाइज होने चाहिए क्वालिटी मैटर्स क्वान्टी डेंट अब मैं क्वान्टिटी में आप चाहे एक पेज का आंसर लिखो बट वेनरस नॉट टू द पॉइंट फिच मार्क्स तो आपका आंसर छोटा होना चाहिए इट शुड बी कंसाइज बट येट इट शुड इंक्लूड एवरी डिटेल विच द चेकर इज आस्किंग फॉर एंड देन टॉक अमाउट प्रेजेंटेशन लाइक स्क्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए पेपर में बहुत अच्छा लाइक एकदम अगर कट भी करना है तो एक सिंपल लाइन एक शुरू शुरू में तो मैं भी करता था अपने लाइक स्कूल के पेपर्स में देन ओवर टाइम आई लर्न की मतलब ओवरऑल लुक ही खराब होती है एक तरह से पेपर की सो so, सिर्फ सिंपल कट सिम्पल वर्क एंड देन टॉक अबाउट की जैसे लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक उन्हें मिनिमाइज करने की uh, hmm. कोशिश करो लाइक बिकॉज दैट विल फैची मार्क्स बहुत बच्चों के अगर आंसर्स भी सही हैं तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए सो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया वेयर एवरी स्टूडेंट शुड वर्क ठीक है सो वंस यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जाम तुम्हारे इमेजिनेशन में तुम कितना परसेंटेज स्कोर कर पाओगे ऐसा so, तुम्हें पता तो चल जाता है हर एक बच्चे को जब वो एग्जाम देके आता है तो हाउ मच वाज योर एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी स्पेसिफिक आई वाज एक्सपेक्टिंग 99.2 लाइक आई कैलकुलेट अरे यार लाइक आई कैलकुलेटेड इट लाइक मैंने लाइक एक बेसिक से मार्क्स हर सब्जेक्ट का दे दे कि अगर इतने इसमें कट गए इतने इसमें कट गए तुम कौन से वाले सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो मैथ्स

एक जैसे पेपर एग्ज़ाम एक, अटैम्प्ट करने जाते हैं बच्चे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हु आर वेरी गुड एट स्टडीज़ बट जब वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पर या तो उनका पेपर छूट जाता है स्पेसिफिकली इंग्लिश में तो हर दूसरा बच्चा ये बोलता है कि मेरे पैसेज छूट गए मेरा लिटरेचर सेक्शन रह गया या सेम हैपेंस विद मैथ्स तो तुम्हारा क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होता था एग्ज़ाम हॉल में तो so, लाइक like, ऐसा करो कि लाइक like, पहले एक दिन पहले एग्जाम से ना आई प्लान कि मतलब कि मैंने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है ओके एंड यूजुअली मेरा पेपर उसी प्लान के हिसाब से चलता था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हाँ, हो जाता से like, आप पहले ना लिटरेचर सेन आपको रीडिंग वो आपकी

अब जैसे 99 आए मेरे लाइक एसएसटी में 74 आए थे 80 में से अच्छा जब तो मैंने तब मुझे भी बहुत डीमोटिवेट होने क्योंकि मेरा मेरा भी खुद का पेपर छूट गया था लाइक केस स्टडी छूट गई थी मेरी तो ऐसे मतलब डीमोटिवेटिंग होने लाइक कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड परसिवरेंस इज द की ग्रेट थैंक यू सो मच माधव होप यू ऑल द बेस्ट थैंक यू ओके